देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सितंबर को समाप्त होने वाले चीनी विपणन वर्ष 2021-22 में भारत का चीनी निर्यात 7% बढ़कर 75 लाख टन होने का अनुमान है। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में चीनी निर्यात 75 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष यह निर्यात 70 लाख टन का हुआ था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप पिछले 5 वर्षों में देश से चीनी के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने हाल ही में कहा कि वैश्विक बाजार में भारतीय चीनी की मांग बढ़ने और उच्च उत्पादन के कारण इस साल अक्टूबर 2021 और फरवरी के बीच चीनी निर्यात 2 गुना बढ़कर 47 लाख टन हो गया है। इस्मा के मुताबिक अब तक लगभग 64 से 65 लाख टन चीनी निर्यात का अनुबंध किया गया है। इसमें से चालू चीनी सत्र में फरवरी 2022 के अंत तक भारत से लगभग 47 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में लगभग 17.75 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। इस्मा का अनुमान है कि चीनी उद्योग को वर्ष 2021-22 के विपणन वर्ष में रिकॉर्ड 75 लाख टन चीनी का निर्यात करने में सफल होना चाहिए। इस्मा ने चीनी की घरेलू खपत 272 लाख टन और उत्पादन 333 लाख टन रहने का अनुमान लगाया है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है। अगर यह निर्यात पर किसी तरह का नियंत्रण लगाता है तो ग्लोबल शुगर प्राइस में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन भारत सरकार घरेलू बाजार की महंगाई को लेकर ज्यादा चिंतित है और ऐसे में सरकार चीनी की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।